हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ रिचा की चोटी। तो ये फ्रेंड्स मंडे का ब्लॉग है। जब मैंने मंडे को ये बना कर रख लिया था, मैंने कि कल अपलोड कर दूँगी, लेकिन कुछ वजह से कल मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा अब रहने दो, फिर कल कर दूँगी। इसीलिए मैंने कोई भी कल अपलोड वीडियो नहीं कर पाई। और यहाँ पर रिचा की हो गई है चोटी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंघी कर और जूड़ा बांध लूँगी। अभी देखिए पूरे उलझे रखे हुए हैं मेरे बाल, तो अभी मैं गीले में कंघी करूँगी तो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। और इसीलिए तो मैंने कहा बस इनको थोड़ी आगे कंघी कर और जूड़ा बांध लेती हूँ, कि जिससे अच्छे भी लगे और टूटे नहीं बाल, तो सुलझाना नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पशुपतिनाथ जी का मेरा और रिया का व्रत है, तो बस इसीलिए मैंने कहा जब तक रिया नहाकर यहाँ पर पूजा वगैरह की थाली लगाएगी, तो हम लोग मार्केट से बेलपत्री और मुझे लाना है दही, तो इसीलिए मैंने कहा बेलपत्री भी ले आऊँगी मंदिर से, और दही भी सामने ही मिलता है तो दही भी ले आएंगे। तो इसीलिए हम लोग तैयार हो गए हैं और वहीं पर कांच मंदिर के दर्शन भी करे आएंगे भोले बाबा के, क्योंकि आज सोमवार है तो वहाँ पर भीड़ भी है, तो मैंने कहा टाइम ज़रूर लगेगा, 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जल्दी से सुबह टाइम से पहले तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं। जब तक हम वहाँ से लौट कर आएंगे तो रिया भी नहा कर तैयार हो जाएगी मंदिर के लिए, और पूजा की थाली भी लगा लेगी वो। तो यहाँ पर मैंने जूड़ा भी बांध लिया है और रिचा की भी कंघी कर दी है, तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ। और मोबाइल में घर पर ही भूल गई थी, तो मैंने कोई भी मार्केट का वीडियो नहीं बना पाई। जल्दबाजी में मैंने सोचा कि मैंने पर्स में रख लिया है मोबाइल, लेकिन मोबाइल घर पर ही रह गया, और वहाँ पर जब चेक किया तो मोबाइल नहीं था, तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। और खाना मांग रहा था पैसे आइसक्रीम के लिए, कि मुझे आइसक्रीम खाना है, बोल रहा था आप मार्केट से ले आना, लेकिन हम लोग मार्केट से लेकर आएंगे जब तक वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो मैंने कहा यहीं से कुछ भी वो आती है चौकोबार मिलती है सामने, वहाँ से ले लो और खा लेना। तो बस मेरा पूरा जूड़ा वगैरह बन गया है, पूरा मेकअप हो गया है, जो भी मैं करती हूँ, ज़्यादा मेकअप पता है आपको, मैं कुछ करती नहीं हूँ। बस हम लोगों के दर्शन होने के बाद मैंने घर पर आकर खाना बनाया, और पूजा करने के बाद देखिए मैं सभी काम से हो गई थी फ्री, तो यहाँ पर आ गई हैं गौरी माता। तो बस मैंने कहा चुनिया को खोल दूँ, तो देखिए शटर लगी हुई थी, लेकिन चुनिया एकदम ऐसा कर रही कि मुझे बहुत जल्दी निकलना है, क्योंकि उसको भूख लगने लगी है। तो बस ये काम से और मैं फ्री हो जाती हूँ, काउ मिल्किंग कर लेती हूँ, गौरी का दूध और लगा लूँ, फिर मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि अभी 2-2.5 बजे का टाइम है और अभी तक पूरा काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। पैसे तो किचन का तो हो गया, बस गाय को ही लगाना है गौरी को। तो आप लोग मेरी वीडियो इन्जॉय कीजिए, और मैं लगा ले रही हूँ गौरी का दूध। कुछ वीडियो में मैंने आवाज़ को कट करके रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और कुछ में आवाज़ है तो आप खुद सुन सकते हैं कि कितनी आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैंने कट कर दिया है। तो आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए, फुल वॉच कीजिए। मैं लगा ले रही हूँ जब तक गौरी का दूध। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट भी करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
क्या है बोरी?